बॉलीवुड में जहां कई सेलेब्स एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वहीं कुछ सेलेब्स के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। हालांकि इंडस्ट्री में इस दोस्ती का टूट भी जाना आम बात है। ग्लैमर की दुनिया में कई स्टार्स ऐसे हैं जो कल तक अच्छे दोस्त थे, वो आज एक दूसरे को फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करते हैं। पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी एक समय पर बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। फिर अचानक ही रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय के इस अच्छे रिश्ते में दरार आ गई थी और सालों बाद भी इनकी सुलह नहीं हो पाई है। रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय दोनों ही बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेसेस हैं। उन्होंने कई फिल्मों में दमदार काम किया है। हालांकि रानी और ऐश्वर्या के बीच पहले कभी भी किसी भी तरह की राइवलरी नहीं थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और उस समय इसके खूब चर्चे भी हुए थे। रानी मुखर्जी ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि ऐश्वर्या राय को उनसे दिक्कत थी। दरअसल ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी के रिश्ते में कड़वाहट आने की वजह बॉलीवुड के दो सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान थे। फिल्म चलते चलते में पहले रानी मुखर्जी की जगह ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान के साथ रोमांस करना था। वहीं शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक दिन सलमान खान ने फिल्म के सेट पर एक बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था। इसके बाद ऐश्वर्या राय की जगह रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया था। इस फिल्म से हटा दिए जाने से ऐश्वर्या राय को काफी धक्का लगा था। ऐश्वर्या राय को तब ज्यादा दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में उनकी जगह उन्हीं की दोस्त रानी मुखर्जी को कास्ट किया जा रहा है। ऐसे में ऐश्वर्या को लगा कि उनकी दोस्त रानी ने उन्हें चीट किया है। इसके बाद खबरें आईं कि रानी और ऐश्वर्या के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। फिलहाल इस किस्से के बारे में आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।